हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट इडियम्स को, और ये जितने भी इम्पोर्टेंट इडियम्स हैं ये टोटल 30 हैं जो मैं आप लोगों से अभी डिस्कस करूंगी। इस लास्ट टाइम पे हम इसको ट्राई करेंगे कि कम समय में सारे इडियम्स, जो जितने भी 30 इडियम्स हैं, ये आप लोगों को याद हो जाए। इससे अच्छा कुछ नहीं होगा कि अगर आप एक सेशन से 30 इडियम को यहाँ पे लर्न कर लेते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज 2 है आपके पास, तो डेफिनेटली दिस सेशन विल हेल्प यू। उसके अलावा अन्य सभी एग्जाम में ये वीडियो आपको मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते अपने फर्स्ट इडियम से। 30 इडियम है, पूरा जरूर देखना, जरूर से जरूर आप लोगों को यहाँ पर लास्ट में याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला इडियम है इंच बाय इंच। इसको कहते हैं कोई चीज बहुत सावधानी से और धीरे धीरे करना। तो जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप, यानी किसी काम को ग्रेजुअली करना, किसी काम को क्या करना, धीरे 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 करना, ठीक है। जैसे क्लाइम द स्टीप माउंटेन इंच बाय इंच। अब उन्होंने माउंटेन को क्लाइम किया इंच बाय इंच, यानी बहुत ही ज्यादा स्टेडली किया, ग्रेजुअली किया और सावधानी पूर्वक किया। तो इंच बाय इंच का मतलब क्या होता है कि बहुत धीरे और किसी कार्य को सावधानी से करना। नेक्स्ट इडियम पे आते हैं। दूसरा इडियम कहता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसको कहते हैं ऑन एंड ऑफ, ठीक है। कभी कभी ऑफ एंड ऑन आता है, कभी कभी ऑन एंड ऑफ आता है। तो या तो आप क्या इडियम अगर पूछेगा ऑफ एंड ऑन, ऑन एंड ऑफ, एंड या पूछेगा फिट्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो इसका मतलब होता है कि कभी कभी किसी काम को होने वाला, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा कार्य जो कभी कभी होता है, यानी बहुत ज्यादा इनफ्रीक्वेंट होना, एपिसोडिक होना, या यहाँ पे अदर वर्ड्स भी दिए हुए हैं, कोई चीज ओकेजनली होना, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको याद रखना है, कोई काम बहुत कभी कभी हो रहा है, ऑड हो रहा है, ठीक है, इनफ्रीक्वेंट हो रहा है, मतलब कोई काम लगातार ना होना, तब हम यूज करते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ यू स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यू मे नॉट पास द एग्जामिनेशन। अगर आप फिट्स एंड स्टार्ट पढ़ाई करेंगे तो आप कभी पास नहीं हो पाएंगे अच्छे से, यानी कि आप अगर कभी कभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कभी कभी होने वाला, जो रेगुलर ना हो। थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारा जो इडियम है वो है बियॉन्ड समवन्स कैन या फिर हेड और टेल। दो चीजें हैं, एक है हेड और टेल और दूसरा है बियॉन्ड समवन्स कैन। इसका मतलब होता है टू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। किसी काम को आप समझ नहीं पा रहे हैं, बैफलिंग हो रही है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है कोई चीज, समझना ज्यादा इजी नहीं है, तब हम यूज करते हैं हेड और टेल या फिर बियॉन्ड समवन्स कैन। यहाँ पे कैन का मतलब क्या होता है, नॉलेज, ठीक है, यानी कि किसी के ज्ञान के परे कोई चीज हो। तो यहाँ पर है कि आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ योर स्टोरी, मैं तुम्हारी स्टोरी में क्या नहीं कर सकी, उसको मैं समझ नहीं सकी, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, हेड और टेल लिख दिया, या फिर यहाँ पे क्या आ सकता है, बियॉन्ड समवन्स कैन, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब होता है कि नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। फोर पे चलते हैं। फोर इडियम हमारा है, फोर्थ जो इडियम है वो कहता है वर्थ वंस सॉल्ट। वर्थ वंस सॉल्ट का मतलब क्या होता है, अडेप्ट होना, कॉम्पिटेंट होना, या स्पेशली कोई अपने काम में अगर बहुत निपुण है तो उसको कहते हैं कि ही और शी इज वर्थ वंस सॉल्ट, ठीक है। तो वर्थ वंस सॉल्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक क्षत्रिय है, ये जो है युद्ध लड़ता है, अब ये अपने राजा के प्रति क्या है, ईमानदार है ना, अपने व्यवसाय में ये बहुत अच्छा है, तो इसको हम कहेंगे वंस वर्थ वंस सॉल्ट। जैसे एनी टीचर वर्थ हिज सॉल्ट इज एबल टू इंस्पायर हिज स्टूडेंट्स, यानी कोई ऐसा टीचर जो कि अब क्या है वर्थ हिज सॉल्ट है, तो वो बच्चों को जरूर इंस्पायर ही करेगा, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यवसाय में बहुत सक्षम है और बहुत निपुण है। तो यहाँ पे याद हो गया होगा आपको वर्थ वंस सॉल्ट का मतलब कोई अपने काम में अच्छा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ इडियम हमारा आता है। ओके, तो फिफ्थ इडियम जो है वो है शो द व्हाइट फेदर, शो द व्हाइट फेदर, या फिर इसकी जगह आ जाता है हैव अ येलो बेली। दोनों इडियम का मीनिंग आप साथ में समझिएगा, ये दोनों अलग अलग इडियम हैं। इनका मतलब वही होता है कि कायरतापूर्ण ढंग से काम करना, है ना, कॉवर्डली मैनर में एक्ट करना, टू एक्ट इन अ कॉवर्डली मैनर। अब ये कॉवर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो क्या हो बहुत ज्यादा
कायर हो, है ना, जो बहुत डरपोक किस्म का इंसान हो, ठीक है। तो कायरतापूर्ण ढंग से काम करने को कहा जाता है शो द व्हाइट फेदर या फिर हैव अ येलो बेली, ठीक है। मतलब येलो से याद रखना और व्हाइट से याद रखना, दोनों कलर्स का यूज किया गया। सेंटेंस में अगर इसको हम यूज करें तो लिखा हुआ है कि डोंट शो द व्हाइट फेदर टू द एनिमी, यानी अपने दुश्मन के सामने आप डोंट शो योर व्हाइट फेदर, मतलब आप उसके सामने कायर ना बने, ठीक है। तो इसका क्या होता है, कायरतापूर्ण ढंग से व्यवहार करना। सिक्स आता है वाइप द स्लेट क्लीन। अब इस idiom का मतलब कैसे आप याद रख सकते हो, पिक्चर देखो यहाँ पे, वाइप द स्लेट क्लीन। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वाइप किया जा रहा है, कुछ साफ किया जा रहा है, जैसे हम बोर्ड पे साफ करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपने अपने कोई लाइफ में आपने कुछ गलत किया, कोई डिसएग्रीमेंट थी पुरानी, कोई आपकी कोई भूल हो गई आपसे, उन सभी भूलों को भुला करके जब हम एक नई शुरुआत करते हैं वहां हम यूज करते हैं वाइप द स्लेट क्लीन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू वाइप द स्लेट क्लीन यू डिसाइड टू फॉरगेट प्रीवियस मिस्टेक्स फेलियर्स एंड डेट्स एंड टू स्टार्ट अगेन। आप दोबारा से कोई चीज शुरू करते हैं अपने दोषों को, अपनी गलतियों को भुला करके, वहां पे हम यूज करते हैं वाइप द स्लेट क्लीन, ओके। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला idiom आता है, सेवन है, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, या फिर इसको हम कहते हैं टू कट टू मेक द कट, टू मेक द कट, या फिर लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि आपने कोई स्टोन फेंका और वो स्टोन जो है अनटर्न्ड हुआ, वापस आपके पास नहीं आया। इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी हासिल करने के लिए आपने सारे संभव प्रयास जब कर लिए उसको हम कहते हैं लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, या फिर किसी काम में सक्सेसफुल हो जाना, कोई हार्ड वर्क करना, वहां हम यूज करते हैं टू मेक द कट, यानी कि ये रिलेटेड किससे है, सक्सेस से रिलेटेड है। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं कुछ हासिल करने के लिए, आप हर एक प्रयास करते हैं, वहां हम यूज करते हैं लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुट टू एंड टू टुगेदर। अब ये idiom क्या है कि दो और दो को एक साथ करना, पुट टू एंड टू टुगेदर। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी सिचुएशन, किसी परिस्थिति के बारे में जब आप एक डिटर्मिनेशन करते हैं, जब आप एक अंदाजा लगाते हैं, जब आप एक इन्फर करते हैं, ठीक है, इन्फर करना यानी कि कोई मीनिंग निकालना, कोई अर्थ निकालते हो आप यहाँ पर, तो टू एंड टू टुगेदर का मतलब बेसिकली होता है एनालिसिस करना। क्या एनालिसिस करना, जैसे यहाँ पे लिखा है कि आई थिंक ही पुट टू एंड टू टुगेदर एंड रियलाइज्ड दैट जॉन हैड बीन स्टीलिंग फ्रॉम हिम दिस होल टाइम। अब यहाँ पे उसने क्या किया, ही पुट टू एंड टू टुगेदर, यानी कि उसने क्या किया, एक एनालिसिस किया, उसने गेस किया, ठीक है। तो वहां पे हम यूज करते हैं टू पुट टू एंड टू टुगेदर। नेक्स्ट है आपका लोव्स एंड फिशेस। लोव्स एंड फिशेस का मतलब होता है कि किसी भौतिक लाभ के लिए कोई काम करना, ठीक है। तो वहां हम यूज क्या करते हैं, लोव्स एंड फिशेस, ठीक है, यानी कि मटेरियलिस्टिक जो गेन है, जो बेनिफिट है, उसको लेना, ठीक है, भौतिक लाभ के पीछे जाना। कोई व्यक्ति है जो आजकल बहुत ज्यादा भौतिक लाभ, मतलब हर कोई आजकल आप देखेंगे नाउडे एवरीबडी इज इंटरेस्टेड ओनली इन द लोव्स एंड फिशेस ऑफ देयर जॉब। अपनी जॉब में हर कोई क्या है, लोव्स एंड फिशेस के लिए कार्य कर रहा है, यानी भौतिक लाभ जो है उससे रिलेटेड ये idiom होता है। नेक्स्ट idiom आता है, 10 idiom है, लेट स्लीपिंग डॉग लाए। लेट स्लीपिंग डॉग लाए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक डॉग है जिसको मैंने कहा कि लेट स्लीपिंग डॉग लाए, यानी कि किसी ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना जिससे आपको लगता है कि आगे चल के और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी किसी अप्रिय घटना को या किसी अप्रिय परिस्थिति को, सच्चाई को अवॉइड करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि डोंट टेल मदर दैट यू ब्रोक द विंडो, लेट स्लीपिंग डॉग लाए। अब आपको समझ आ गया होगा यहाँ क्या कहा गया कि डोंट टेल द मदर, आप मदर को मत बताना कि यू ब्रोक द विंडो, ठीक है। लेट स्लीपिंग डॉग लाए, यानी कि इसको अवॉइड कर दो, है ना, इस सिचुएशन को अभी अवॉइड कर दो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वहां पे हम यूज करते हैं लेट स्लीपिंग डॉग लाए, ठीक है, टू इग्नोर अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को क्या करना, इग्नोर कर देना ताकि आगे चल के डिफिकल्ट ना हो, ओके। आगे बढ़ेंगे, बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का मतलब क्या होता है, ये बड़ा ही जो है बड़ा ही आम idiom है जो आमतौर पर हम सभी लोग अपनी लाइफ में इसको कहीं ना कहीं देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि टू मेक अ डेस्परेट एफर्ट टू अवॉइड सेइंग समथिंग, कुछ कहने से पहले अपने आप को रोकना, आप कहना चाहते हैं लेकिन आप अपने आप को वहां पर रोकते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं बाइट योर टंग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
आई वॉन्टेड टू टेल हिम एग्जैक्टली what I thought of him, बट आई हैड टू बाइट माई टंग फॉलिंग साइलेंट एंड नॉट स्पीकिंग. यानी आप किसी बात को कहना चाहते थे लेकिन आपने अपने आप को रोका कि नहीं मुझे नहीं बोलना है. वहां हम यूज करते हैं बाइट योर टंग, मतलब आप जानबूझ के जो चीज कहना चाहते हैं उसको नहीं कहते हैं. ठीक है, वहां हम यूज करते हैं बाइट योर टंग. नेक्स्ट है आउट ऑफ द ब्लू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, ये आता है पेपर में. ब्लू से एक इडियम है, पहला है आउट ऑफ द ब्लू और एक होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. ठीक है, ये जितने भी इडियम लिखे हैं ये सारे सेम है. इन सबका मतलब क्या होता है, कुछ कोई ऐसी चीज जो बहुत अचानक से हो जाए, यानी सरप्राइजिंगली अनएक्सपेक्टेडली किसी काम कोई काम होना. ठीक है, कुछ सरप्राइजिंग हो रहा है. ठीक है, सडन होना कोई चीज, अमेज्ड हो जाना. ठीक है, तो वहां हम यूज करते हैं आउट ऑफ द ब्लू, या फिर मैं बोलू बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, या फिर जंप आउट ऑफ वन्स स्किन, या फिर नॉक डाउन विद द फेदर, या फिर कॉट ऑफ गार्ड. ये सारे जो वर्ड्स है इनका संबंध है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसी सिचुएशन जो क्या हो जाए, कोई ऐसी घटना जो अनएक्सपेक्टेड हो जाए, सडन हो जाए. ठीक है, कोई ऐसी घटना जो क्या है, अचानक हो जाए. जैसे माई ओल्ड रूममेट कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू, मेरे पुराने रूममेट ने मुझे क्या कर दिया, ही कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू, उसने अचानक से मुझे अनएक्सपेक्टेडली क्या कर दिया, कॉल कर दिया. ठीक है, तो इस तरह से हम आउट ऑफ द ब्लू का यूज करते हैं जहां पे आप कोई अनएक्सपेक्टेड चीज को बता रहे हो. नेक्स्ट आता है ऑन द बॉल. ठीक है, ये हमारा 13th idiom है ऑन द बॉल. ऑन द बॉल का मतलब है जैसे ये गर्ल है कि ऑन द बॉल है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसने अपने आप को क्या करा हुआ है, बैलेंस किया हुआ है. ठीक है, तो ऐसा इसका मतलब होता है कि व्हेन समवन अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन वेरी वेल, कोई ऐसा पर्सन है जो किसी सिचुएशन को, चाहे वो सिचुएशन कोई खराब हो, उस परिस्थिति को अगर एक पर्सन समझता है ठीक से, अंडरस्टैंड करता है उस परिस्थिति के प्रति, अगर कोई व्यक्ति अटेंटिव होता है, वहां हम यूज करते हैं ऑन द बॉल. जैसे इफ यू वर ऑन द बॉल दिस वुडंट हैव हैपेंड, अगर आप अवेयर होते तो ऐसा आपके साथ नहीं होता. तो इफ यू वर ऑन द बॉल, अगर आप ऑन द बॉल होते हैं, ऑन द बॉल का मतलब क्या हमने पढ़ा, जहां पे आप अटेंटिव हैं, जहां पे आप समझ रहे हैं परिस्थिति को. ठीक है, तो यहाँ पर आई होप कि इसको आपको समझ आ गया होगा. ऑन द बॉल का मतलब कि समवन हु इज वेरी अटेंटिव और अंडरस्टैंड्स एनी सिचुएशन. ओके, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे. नेक्स्ट आता है 14th idiom है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मतलब होता है कि कोई काम जो बिना किसी हेजिटेशन के आप करना चाहते हो. ठीक है, इमिडिएटली किसी काम को करना. जैसे मान लो अगर आपको कोई कहे कि आप चलो पिज्जा खाने चलते हैं, तो हो सकता है कि आप ऑन द ड्रॉप ऑफ अ हैट आप चले जाए. ठीक है, यानी कि विदाउट एनी हेजिटेशन जब आप जो है किसी काम को करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि एली वॉज ऑलवेज रेडी टू गो शॉपिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. यानी जो एली है वो हमेशा शॉपिंग के लिए रेडी रहती है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. यानी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब है कि इमीडिएटली रेडी हो जाती है वो सोचती नहीं है ज्यादा कुछ. विदाउट एनी हेजिटेशन जो गर्ल्स हैं वो शॉपिंग के लिए रेडी हो जाएंगी, है ना, या गोलगप्पे खाने के लिए रेडी हो जाएंगी. ऐसे ये जो idiom है ये इससे संबंधित है, जहां पे आप विदाउट हेजिटेशन किसी काम को करती हो. ठीक है, 15 आता है अन आर्म एंड अ लेग. अन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब क्या है, अन आर्म एंड अ लेग, ये जैसे आप लोगो देख सकते हो, ये आर्म है और ये लेग है, और यहाँ पे ये साइन किसका है, डॉलर का. ठीक है, तो ये रुपए का साइन, मतलब पैसे का साइन है, डॉलर का साइन है, यानी कि अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज बहुत महंगी है, अ लॉट ऑफ मनी. तो जैसे मैंने बोला कि दिस ड्रेस इज रियली नाइस बट इट कॉस्ट मी अन आर्म एंड अ लेग. ठीक है, लेकिन क्या है, ये ड्रेस बहुत अच्छी है लेकिन इट कॉस्ट मी आर्म एंड अ लेग, यानी कि ये मुझे बहुत महंगी पड़ी है. ठीक है, बहुत कॉस्टली है. तो कोई ऐसी चीज जो बहुत महंगी हो वहां हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पे 16 आता है थ्रो डाउन द ग्लव और गॉन्टलर. अब यहाँ पर 16th idiom में थ्रो डाउन द ग्लव या ग्लॉन्टलर का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो तुरंत ही लड़ने के लिए और फाइट करने के लिए रेडी रहे. ठीक है, तो उसमें हम ऐसा idiom यूज करते हैं. जैसे ये पर्सन आप देख रहे हो, इसने अपने ग्लव्स जो है निकाल दिए. ठीक है, और इसका फेस देखो आप कितना ये गुस्से में, यानी कि किसी को चैलेंज करना. ठीक है, या किसी को रेडी टू फाइट, किसी से लड़ने के लिए तैयार रहना, आर्ग्यूमेंट के लिए तैयार रहना ऑलवेज, उसके लिए हम यूज करते हैं कि ही थ्रो डाउन द ग्लव ऑलवेज. ठीक है, या फिर यहाँ पे कि ही हैज थ्रोन डाउन द
गॉन्टलेट टू इट्स कंपेटिटर्स। ठीक है, गॉन्टलेट्स क्या होते हैं, जो इस तरह से ग्लव्स पहने जाते हैं जो सैनिक वगैरह पहनते थे। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि रेडी रहना लड़ाई झगड़े के लिए, है ना, जिससे पहले युद्ध होता था तो उसके लिए तैयार रहते थे लोग लड़ने के लिए राजा के आदेश पे। तो थ्रो डाउन द ग्लव का वही मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन जो दूसरों को चैलेंज करने के लिए आगे रहता है और तुरंत ही फाइट करने के लिए और आर्ग्यूमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं थ्रो डाउन द ग्लव। नेक्स्ट आता है मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है कि जैसे आप ये मैन देख रहे हो, अब ये स्ट्रॉ से बना हुआ है, तो इसका मतलब कि ये पर्सन कैसा है, बहुत ज्यादा कमजोर है, अभी हवा चलेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट सकता है, बिखर सकता है। यानी कि क्या समझ में आया कि ऐसा व्यक्ति बहुत जो कमजोर हो, या ऐसा विचार, कोई ऐसा थॉट, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थॉट भी हो सकता है, तो कोई थॉट या कोई ऐसा पर्सन जो जो बहुत कमजोर है, कोई ऐसा थॉट है जो बहुत कमजोर सा है, जैसे हराना बहुत आसान हो, उसके लिए हम यूज करते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। जैसे यहाँ पे लिखा है कि द किंग बीइंग अ मैन ऑफ स्ट्रॉ हिज ऑर्डर्स वर ऑफन डिसओबेड। यानी कि जो किंग था, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में ये बोला गया कि जो किंग था वो कैसा था, वो मैन ऑफ स्ट्रॉ था, जिसके ऑर्डर को हमेशा क्या किया जाता था, डिसओबे किया जाता था। यानी कि लोग उसके ऑर्डर्स को मानते नहीं थे, बिकॉज लोग उसे कमजोर समझते थे। ठीक है, तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब है कि ऐसा पर्सन जो जिसे हराना इजी हो और जो बहुत कमजोर हो, मतलब कमजोर विचार का हो इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब क्या है कि ऐसी कोई चीज जो समझ से बाहर हो, आपके समझ से परे कोई चीज है। जैसे लैटिन आपको समझ में नहीं आती, ना मुझे आती है, ना आप, तो ग्रीक भी हमें नहीं आती है, ना हमको लैटिन ग्रीक नहीं आती है, यानी कि हमारी समझ से बाहर है ये दोनों लैंग्वेज। तो इससे आप याद रख सकते हो कि कोई ऐसी चीज जो आपके समझ से ही बाहर हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि फैलसी इज ऑल लैटिन एंड ग्रीक फॉर सम स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत सारे बच्चों के लिए फैलसी टॉपिक जो है, इन्फेरेंसेस जो टॉपिक है वो क्या है, इट सीम्स लैटिन एंड ग्रीक, है ना। तो बहुत सारे बच्चों के लिए लैटिन एंड ग्रीक है, यानी कि उनके समझ के परे हो जाती है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल कोई चीज होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 है टो द लाइन। टो द लाइन का मतलब क्या है कि जो कहा जाए उसका पालन करना। ओबिंग व्हाट इट इज टोल्ड, व्हाट इज टोल्ड। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ही रियलाइज्ड दैट ही हैड टू टो द लाइन इफ ही वांटेड हिज जॉब। उसने रियलाइज किया कि उसको क्या करना था, टो द लाइन करना ही था, ताकि उसे जॉब मिले। मतलब अगर उसे जॉब चाहिए तो उसे उसका पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टो द लाइन का मतलब क्या होता है कि जो कहा जाए उसका पालन करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 20 वाला idiom भी है। यहाँ पे देखो, टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर इसका मतलब क्या होता है कि इग्नोर करना। इग्नोर व्हाट वन सेज, सामने वाला क्या कह रहा है उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना, वहां पे हम यूज करते हैं टर्न और डेफ ईयर। किसी को इग्नोर करना बेसिकली होता है इसका मतलब। ठीक है, जैसे लिखा है कि द कंपनी टर्न्ड द डेफ ईयर टू द डिमांड्स ऑफ द सैलरी राइज। मतलब कि जब सैलरी की डिमांड एम्प्लॉयज ने की, तो कंपनी टर्न्ड द डेफ ईयर, उन्होंने क्या कर लिया, दे टर्न्ड अ डेफ ईयर, इन्होंने क्या किया, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है कि कंप्लीटली इग्नोर करना। नेक्स्ट idiom आता है हमारा 20 idiom है, have an axe to grind, have an axe to grind। इसका मतलब क्या होता है कि अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करना, to have selfish interest, किसी का selfish interest है, वहां हम यूज करते हैं have an axe to grind। ओके, जैसे कि environmentalist have no political axe to grind, they just want to save the planet। अब इस एग्जाम्पल में ये बोला गया है, थोड़ा नेगेटिव में बोला गया है कि जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं उनका कोई भी पॉलिटिकल एक्स टू ग्राइंड नहीं होता। मतलब कि पॉलिटिकल स्वार्थ, पॉलिटिकल सेल्फिश इंटरेस्ट उन लोगों का नहीं होता है, वो केवल प्लैनेट को सेव करने पे बल देते हैं। ठीक है, तो हैव टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है कि अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए कोई काम को करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 idiom आता है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत क्या हो, अनुभवहीन हो, या इमेच्योर पर्सन हो, या इसको हम कह सकते हैं कि जिसको इजिली लोग क्या करते थे, डिसीव कर देते हैं। ठीक है, किसी को नीचा दिखा देना, बहुत आसान हो किसी को नीचा दिखाना, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत इमेच्योर है, ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो उसको, तो वहां हम यूज करते हैं ग्रीन हॉर्न। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है कि दो अ ग्रीन हॉर्न इन पॉलिटिकल फील्ड
ही अपीयर्स टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, यानी कि इसका मतलब क्या है कि उसका पॉलिटिकल फील्ड में क्या है, ग्रीन हॉर्न है, मतलब वो पॉलिटिकल फील्ड में अनुभवहीन है लेकिन उसका फ्यूचर बहुत ही कैसा है, ब्राइट है। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब कोई ऐसा पर्सन हु इज वेरी अनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब और इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, ठीक है। 21 idiom पे चलते हैं नेक्स्ट। 21 है fly off the handle, fly off the handle। यहाँ पे क्या होगा, fly off the handle का मतलब है कि अपने आपे से बाहर हो जाना, यानी कि to react in a very angry way, बहुत ही गुस्से में अगर कोई पर्सन सडनली रिएक्ट कर देता है छोटी छोटी बात पे, उसमें हम यूज करते हैं fly off the handle, ठीक है, यानी आपे से बाहर हो जाना। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ही इज एक्सट्रीमली इरिटेबल, ही फ्लाइज ऑफ द हैंडल एट द स्लाइटेस्ट थिंग, वो छोटे छोटी चीजों पे क्या हो जाता है, ही फ्लाइज ऑफ द हैंडल, वो आपे से बाहर हो जाता है, यानी वो गुस्से में आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है 23rd, कट बोथ एंड्स। कट बोथ एंड्स का मतलब है कि मान लो एक ये एंड है एक ये एंड है, ये दोनों को कट कर रहा है, ठीक है। तो कट बोथ एंड्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा डिबेट जिसमें दोनों पक्षों में बोलना, यानी कि दोनों ही पक्षों में, दोनों फेवर, दोनों साइड में बोलना क्या होता है, कट बोथ एंड्स। जैसे मान लो आप हैं, आपका आपके फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो गई और आप बीच में है, ठीक है। तो अब ये दोनों आपकी आपसे एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं और ये दोनों चाहते हैं कि आप इसकी साइड लें और ये चाहता है कि आप इसकी साइड लें। तो कई बार ऐसा होता है ना, हम लाइफ में कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैं बी के साइड रहूं या मैं ए के साइड रहूं। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, यू कट बोथ एंड्स, यानी आप दोनों पक्षों में बोल सकते हो, इसको भी आप उतना ही बोलोगे, उसको भी आप उतना ही बोलोगे, है ना। दोनों की गलती है तो आप दोनों को समझाओगे, यानी कि इसका मतलब होता है कि टू आर्ग्यू इन अ फेवर, आप किसी फेवर में होते हैं, ठीक है। तो वहां पे दोनों पक्षों में बोलना यहाँ पे हो जाएगा कट बोथ हैंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 24 है टू कॉल स्पेड अ स्पेड। टू कॉल स्पेड अ स्पेड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक स्पेड है। स्पेड मतलब जो हम खेत वगैरह में ये यूज करते हैं, खेतों में खेती वगैरह के लिए, तो ये स्पेड है, तो इसको ये स्पेड बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि टू बी फ्रैंक और ब्लंट होना स्पीच में, आउटस्पोकन पर्सन कोई है जो सीधा बोल देता है, ठीक है, जो ज्यादा सोचता नहीं है, मतलब सीधा बोल देता है, ऑनेस्ट मैनर में कोई पर्सन किसी बात को कह देता है, वहां हम बोलते हैं टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, ठीक है, मतलब डायरेक्टली बोल देना, बहुत फ्रेंकली कोई पर्सन डायरेक्ट सरल शब्दों में सीधा सीधा बोल देता है किसी को, चाहे उसे बुरा लगे या अच्छा लगे, वहां पे हम यूज करते हैं टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, ओके। आगे बढ़ेंगे, 25 कहता है बी ऑन क्लाउड 9। इसका मतलब क्या है, बी ऑन क्लाउड 9 का मतलब है कि बहुत खुश होना, ये जो पर्सन है ये क्लाउड 9 पर है, यानी ये बहुत ज्यादा कैसा है, खुश है। इसके अलावा अदर idiom भी है जो आपके पूछे जाते हैं, जैसे देखो सबसे पहले लिखा है लाइक अ डॉग विद टू टेल्स, मतलब डॉग जो है उसके टू टेल्स है, तो इसका मतलब ये होता है कि हैप्पी होना, ठीक है, कहीं ना कहीं खुश होना। हैप्पी एज लैरी का मतलब होता है हैप्पी होना। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब भी क्या होता है, बहुत ही क्या होना, खुश होना। और पेंट द टाउन रेड का मतलब भी क्या होता है, खुश होना, ठीक है। तो ये जितने भी idiom है ये किससे रिलेटेड है, हैप्पीनेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे कॉमन idiom जो पूछा जाता है वो बी ऑन क्लाउड 9 पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका सबका मतलब क्या होता है, खुश होना। आगे बढ़ते हैं, 26 है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि अपने काम से थोड़ी समय के लिए ब्रेक लेना, ठीक है। तो अपने काम से जब कोई व्यक्ति ब्रेक ले रहा है बीच में, वहां हम यूज करते हैं कॉल इट अ डे, ठीक है। जैसे आई एम गेटिंग अ बिट टायर्ड नाउ, मैं थक गई हूँ, सो लेट्स कॉल इट अ डे, यानी कि कहा गया कि मैं थक गई हूँ अपने काम से, तो चलो लेट्स कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मतलब क्या समझ में आया, कि स्टॉप वर्किंग, कुछ समय के लिए आप जो काम है उसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 27, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, किसी बात को शुरू करना, ठीक है। तो इनिशिएट करना किसी सोशल कन्वर्सेशन को, तब हम यूज करते हैं ब्रेक द आइस, ठीक है। जैसे एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर द न्यू प्रोफेसर ट्राइड टू ब्रेक द आइस बाय टेलिंग अ जोक। अब एक न्यू लेक्चरर आया, प्रोफेसर आया, और उसने क्या किया, ही ट्राइड टू ब्रेक द आइस, जो साइलेंस था उसको उसने ब्रेक किया, ठीक है, यानी कि कोई कन्वर्सेशन को शुरू करना। नेक्स्ट आता है 28 है पीस ऑफ अ केक। पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, कि समथिंग दैट इज वेरी इजी और वेरी अंडरस्टैंडिंग टू डू, कोई ऐसा काम जो बहुत आसान हो करना
और जैसे हमें कोई चीज है कभी डिफिकल्ट लगती है, लेकिन जब हम एक बार उसको पढ़ लेते हैं तो हमें वो क्या लगता है, हमें वो पीस ऑफ केक लगता है। ठीक है, तो पीस ऑफ केक का मतलब क्या है कि कोई काम बहुत इजी लगना, कोई ऐसी चीज समथिंग विच इज वेरी इजी। ठीक है, जैसे आई थॉट दैट द प्रॉब्लम वुड बी टफ बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ पीस ऑफ केक। लेकिन वो काम कैसा निकला, वो प्रॉब्लम तो एक पीस ऑफ केक थी, मतलब बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो पीस ऑफ केक का मतलब कोई चीज बहुत आसान होना या किसी चीज को समझना इजी हो, करना आसान हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बीटिंग अराउंड द बुश, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं इसको बुश कहते हैं, बुश मतलब ये झाड़ी। ठीक है, तो ये झाड़ियां जो है इसके अराउंड क्या कर रहे हैं, ये दोनों बच्चे बीट कर रहे हैं, मार रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं बीटिंग, बीट अराउंड द बुश या फिर बीटिंग अराउंड द बुश। इसका मतलब ये होता है कि इसके आसपास बीट करने का मतलब है कि अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मतलब किसी बात को अवॉइड करना, मेन टॉपिक पे ना आना। ठीक है, तो जैसे होता है ना किसी से आप कोई सवाल पूछ रहे हैं और वो क्या कर रहा है, आपको घुमा फिरा के आंसर दे रहा है, यानी कि ही इज बीटिंग अराउंड द बुश। ठीक है, वो अवॉइड कर रहा है मेन टॉपिक को। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टीचर आस्क्ड जोसेफ टू कम टू द पॉइंट इंस्टेड ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश। टीचर ने कहा कि भैया पॉइंट पे आओ, आप आंसर बोलो, ना कि आप क्या करो, बीटिंग अराउंड द बुश करो। तो बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब होता है कि मेन मुद्दा जो है, जो बात है उसको अवॉइड करना। ठीक है, कोई अवॉइड करता है इस तरह से, तो वहां पे हम यूज करते हैं बीट अराउंड द बुश। लास्ट स्टेडियम देखेंगे, लास्ट आता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे चीज को लेके कंप्लेन कर रहे हैं जो पहले से ही आपका पास्ट में कोई फेलियर था, मतलब पास्ट की कोई बात थी, है ना। जैसे अब इस, ये जो है मिल्क है ये स्पिल्ड हो गया, अब ये इस पे क्या कर रही है, रो रही है। मतलब आप रोने का फायदा तो है नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, है ना। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है कि कोई जो पुराना लॉस था उसके प्रति क्या करना, बैठ के रोना। जैसे हम कई बार करते हैं, हमने कोई ऐसा काम किया फिर हमें बड़ा ही दुख होता है कि अरे क्यों किया, है ना। तो कोई ऐसा लॉस हो गया, कोई फेलियर हो गया, तो हम बैठ के भी रोते हैं। आज भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रेजेंट में भी उस चीज को लेके सोचते हैं, तो वहां हम यूज करते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि हिज डिसीजन टू रिजाइन वॉज डिसअपॉइंटिंग बट इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। अब उसने वहां से रिजाइन दे दिया उस कंपनी से, अब उसको बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, यानी कि ही इज क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क बट अभी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उस सेंस में हम यहाँ पे इंग्लिश में यूज करते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको आज के सारे idiom क्लियर हो गए होंगे। 30 idiom को हमने कवर किया। अगर आपको याद नहीं हुए तो इसको एक बारी और आप वीडियो को स्पीड पे थोड़ा सा देखिए, इसको आप रिवाइज करिए जरूर, सारे इंपॉर्टेंट थे। एंड इफ यू रियली लाइक दिस सेशन देन प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर वीडियोज। आगे चल के ऐसे भी वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।